हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने मिस्टर टेक्निकल प्रो चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में गेट हेल्प फिक्सिंग डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो गाइस, इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियो और डाली हुई हैं, लेकिन उन वीडियो के कमेंट्स में कुछ भाइयों ने ये बोला था कि 1.19 प्लस वर्जन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसे आप सॉल्व करके दिखाओ, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाओ, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको 1.19 प्लस वर्जन में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर यह है 1.19.2 वर्जन, ठीक है। तो यहां पर गाइस, जैसे भी प्ले पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हो यहां पर यह प्रॉब्लम आ रही है, गेट हेल्प फिक्सिंग दिस। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहां से बैक आ जाना है। तो यहां से मैं माइनक्राफ्ट से बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद अब आपको यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहां पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, और उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है assistdevice.blogspot.com, ठीक है। तो यहां पर मैं गाइस सर्च कर देता हूं यहां पर लिखकर। तो यहां पर मैंने लिखकर सर्च कर दिया है assistdevice.blogspot.com। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपको यही लिखना है assistdevice.blogspot.com, ठीक है। इसके बाद यहां पर शुरू में ही आपको एक वेबसाइट नजर आएगी असिस्ट डिवाइस के नाम से, तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर मैं इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा इसका, और यहां पर गाइस आपको सर्च करना है GLFW एरर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे सर्च कर देता हूं। तो यहां से मैं इस ऐड को हटा देता हूं और यहां पर मैं सर्च कर देता हूं GLFW एरर। तो यहां पर मैंने टाइप कर दिया है GLFW एरर, और इसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहां पर एक पोस्ट निकल कर आएगा, आपको इसी पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पोस्ट पर क्लिक करते हो तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में आपको पहुंच जाना है। सबसे लास्ट में पहुंचने के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा एक्सबॉक्स प्राइवेसी सेटिंग्स। तो यहां पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो यहां पर ये एडवर्टाइज वाला यहां पर पेज खुल जाएगा। तो यहां से आपको बैक आकर दोबारा आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, और जैसे आप दोबारा क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको वही जी मेल यहाँ पर डालना है जो आपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में साइन इन करते समय डाली होगी। तो वही जी यहाँ पर आपको जी मेल डाल देना है। तो यहाँ पर मैं वही जी मेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही जी मेल डाल दी है, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको उसी का पासवर्ड डालना है, उसी जीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी जीमेल का पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल दिखाई देगी जो कि आपने यहाँ पर डाली होगी। तो यहाँ पर गाइस आपको क्लिक करना है इसी ईमेल पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपके उसी जीमेल पर एक कोड पहुँचेगा, तो आपको उस कोड को कॉपी कर लेना है वहाँ से, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरे जीमेल पर कोड आ चुका है। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने जीमेल पर, और यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड है, तो इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर दोबारा आना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इसी कोड को। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये पेज खुलकर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखाई देंगी कुछ। तो यहाँ पर आपको इन्हीं सेटिंग्स को अलाउ करना है जो यहाँ पर मैंने अलाउ करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो जो एवरीवन पर हैं आपको उसे एवरीवन पर ही करना है, जो फ्रेंड पर हैं उसे फ्रेंड पर ही करना है, ठीक है। जो जैसी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करनी है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सबॉक्स वन विंडो 10 ऑनलाइन सेफ्टी पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर जो जितनी भी सेटिंग्स हैं आपको इन सभी को अलाउ कर देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ब्लॉक है इन सभी को आपको अलाउ करते जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट कर देते हो, सबमिट करने के बाद यहां से आपको बैक आ जाना है और माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। तो यहां से मैं अब आ जाता हूं यहां से बैक, और बैक आकर मैं यहां पर माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूं।
तो यहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लिया है। तो गाइस यदि आपका माइनक्राफ्ट साइन आउट हो जाता है तो आपको यहाँ पर दोबारा साइन इन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्ले पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको प्ले पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि वह प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर वह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।